कभी कभी कुछ कहानियां इतनी भयानक होती हैं जो किसी इंसान के दिमाग में एक गहरा इम्पैक्ट डाल जाती है, जो कि शायद उसकी रातों की नींद और दिन का चैन भी उड़ा सकती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं ऐसी ही एक केस पर रिसर्च कर रहा था। मैंने कई सारे वेबसाइट में उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े और काफ़ी वीडियोज़ भी देख डाली। उसके बाद मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार उसी लड़की की कहानी चल रही थी। मेरा दिमाग अंदर से सही और गलत की लड़ाई में उलझा रहा, और अब मैं चाहता हूँ कि इस कहानी का फैसला आप लें। ये कहानी है इस लड़की की जिसका नाम है एनालिस मिसल। और इस लड़की के बारे में बात करने का खास रीज़न है इसकी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी, जिसके ऊपर 2005 में एक मूवी भी आई थी कॉल्ड द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो शायद कई लोगों ने देखी भी होगी। पर मेरे हिसाब से जितनी भयानक वो मूवी थी उससे कई गुना ज़्यादा भयानक इसकी असली कहानी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये बता देता हूँ कि वीडियो काफ़ी स्केरी हो सकती है, इसीलिए अगर इस वीडियो को कमज़ोर दिल वाले या भूतों से डरने वाले लोग देख रहे हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं उस लड़की की कुछ रियल वीडियो फुटेज और ऑडियो भी डालने वाला हूं, जो शायद आपके दिलो दिमाग पर असर कर सकती है। इसीलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने रिस्क पर ही देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस लड़की की कहानी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। और वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि उस लड़की के साथ सही हुआ या गलत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1952 में, जब एनालिस मिशेल का जन्म एक जर्मनी के कैथोलिक परिवार में हुआ। उसकी फैमिली काफ़ी ही डिसिप्लिन्ड और कट्टरवादी थी, यानी वो अपने धर्म को काफ़ी मानते और उसके प्रति काफ़ी समर्पित थे। एनालिस की एक बड़ी बहन भी थी मार्था, जिसकी 8 साल की ही छोटी उम्र में मौत हो गई थी। उसकी बहन के जाने के बाद उसकी माँ उस पर काफ़ी दबाव डालती, उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी। पवित्र जीवन यानी जैसे साधु संत या चर्च के फादर्स एंड नन की लाइफस्टाइल होती है, उसे भी उसी प्रकार रहने को कहा जाता था। एनालिस काफ़ी ही समझदार और सरल जीवन जीने वाली लड़की थी और काफ़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की भी। उसके पैदा होने के बाद से ही उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी, पर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता। जब वो सिर्फ 16 साल की ही थी तो एक बार वो स्कूल में किसी कारण से बेहोश हो गई थी। कहा जाता है कि उसके घर वालों के कट्टरपंथी रवैये के वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी। दूसरे दिन जब वो उठी तो उसका शरीर उसे भारी सा लग रहा था और उसके कान में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम नर्क में हो। उसके शरीर से कई बार कंपन उठती थी और धीरे धीरे वो अपने शरीर से अपना काबू खोने लगी। जब इसके पेरेंट्स ने उसे उस हाल में देखा तो उन्हें लगा कि शायद इसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने उसे कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे एनालिस की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगी, जैसे कि पूरी तरह वो किसी शैतान के कब्जे में आ चुकी हो। कई बार तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती या अपने भाई बहनों पर ही हमला कर देती थी। डॉक्टर्स के लाख कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रहे, क्योंकि एनालिस उन्हें अपने पास ही नहीं आने देती। जब चारों तरफ से हालात और भी बिगड़ने लगे तो एनालिस के पेरेंट्स ने चर्च के फादर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इन सब का भी एनालिस पे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। जब मैं इस केस पर और रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि एनालिस ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और धार्मिक चीज़ों से दूर रहने लगी। अब तो हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके थे कि वो कभी कभार फ्लोर से उठाकर अपना ही मूत्र को पिया करती थी, कोयला या कीड़े मकोड़े जैसे चीज़ों को भी खा जाती थी। कुछ सालों बाद ही एनालिस मल न्यूट्रिशन का भी शिकार हो गई। मल न्यूट्रिशन यानी खाने की कमी के वजह से शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना। इस फोटो में आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। कई बार वो सीढ़ियों से अजीब तरह से ही उतरा करती थी। उसकी मुझे एक वीडियो फुटेज मिली है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप खुद देख सकते हैं वो कैसे अजीब ढंग से ही सीढ़ियों से उतर रही है।
अब आगे क्या होता है, जब चर्च के फादर को उसका केस मिलता है तो उसे देखने और परखने के बाद वो उस पर एग्जोर्सिज्म करने का फैसला लेते हैं। अब जिन्हें एग्जोर्सिज्म नहीं समझ में आया तो मैं उन्हें ये बता देता हूँ, एग्जोर्सिज्म का मतलब होता है भूत भगाने की प्रक्रिया। जो भी आप झाड़ फूँक सुनते हैं उसे ही एग्जोर्सिज्म कहा जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी दर्दनाक भी साबित हो सकती है और कभी कभी तो इससे विक्टिम की जान भी जा सकती है। अब आगे एग्जोर्सिज्म की परमिशन मिलने के बाद चर्च के दो फादर को उस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। फादर के कहने पर उसने दवाइयां लेना भी बंद कर दिया। अब अगले 10 महीनों तक एनालिस पर करीब 60 से भी ज्यादा बार एग्जोर्सिज्म किया गया। बस एक बार में ही इंसान को इतना दर्द झेलना पड़ता है तो सोचो 60 से भी ज्यादा बार उस पर एग्जोर्सिज्म करने के बाद उसने क्या कुछ नहीं झेला होगा। एग्जोर्सिज्म के दौरान उसके हाथ और पैरों को चेन से भी बांधा जाता था ताकि फादर्स उसके शरीर से उन बुरी आत्माओं को बाहर निकाल सके। करीब 67 टाइम एग्जोर्सिज्म करने के बाद चर्च के फादर ने यह बताया कि उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 बुरी आत्माओं का वास हो चुका है। जिन 6 बुरी आत्माओं का नाम फादर्स ने बताया वो अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वो कुछ इस प्रकार थे। इनमें से कुछ नाम के लोगों को आप जरूर जानते होंगे, जैसे हिटलर या लूसीफर, पर जो बाकी बचे नाम हैं उनके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं था। पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला, लीजन जो कि एक राक्षस था जिसके बारे में बाइबल्स में भी दिया गया है, जो कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बुरी आत्माओं का रूप है। नेरो रोमन साम्राज्य का 5वां शासक हुआ करता था। केन भी एक बाइबलिक फिगर है जिसे एडम और ईव का पहला बेटा कहा जाता है और अपने ही भाई का हत्यारा जिसने अपने ही छोटे भाई एबल को जान से मार दिया था। जूडास एक गद्दार था जिसने जीसस को धोखा देकर उन्हें फंसा दिया था। उसके बाद बचे लूसीफर और हिटलर। हिटलर को तो आप सब जानते ही होंगे, जर्मन का एक क्रूर शासक था। लूसीफर एक एविल था जिसे बाइबल में नर्क का राजा भी कहा जाता है। और फादर्स के हिसाब से उन्हीं 6 लोगों के आत्माओं ने एनालिस पर कब्जा किया था। अब उसे कंट्रोल करना किसी के हाथों में नहीं था। एक बार जब उसे होश आया तो उसने रोते हुए अपने मॉम से भी कहा था कि वो अब थक चुकी है, उसे ये शरीर छोड़ना है। और जब 1976 में उस पर आखिरी बार एग्जोर्सिज्म किया गया, यानी लास्ट 68 टाइम्स, तो उसी दौरान उस लड़की की 23 साल की उम्र में ही मौत हो गई। और जब उसकी एटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उसके दांतों में फ्रैक्चर थे, उसकी आंखें काले पड़ चुके थे और शरीर के अंगों पर चोट के निशान थे। उसके बाद उसके माता पिता और दोनों फादर्स को एनालिस की मौत का जिम्मेदार माना गया और उन्हें जेल भी हुआ। और बस यही थी एनालिस मिशेल की कहानी। और यहाँ पे मैंने कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई है, ना ही कोई बकवास किया है। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप खुद गूगल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, उसके साथ जो भी हुआ क्या वो सही था या गलत, या गलती किसकी है, क्या ये किसी प्रकार का हेलुसिनेशन था, या उसे किसी प्रकार की दिमागी बीमारी थी, या सच में उसके अंदर ऐसे 6 बुरी आत्माओं का वास था। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपना राय हमें